Tapam, three or four BHK luxury villas at Thevim, North Goa, starting from rupees 1 crore 35 lakhs. Terms and conditions apply. चार सौ साल से एक राम मंदिर का निर्माण के लिए हम आंदोलन कर रहे थे। जब राम जी अयोध्या पहुंच जाएंगे, जब राम जी का पटाभिषेक करेंगे, उसके बाद तुरंत हमको सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला मिलना है, ऐसा एक संकल्प रखे हुए रथ यात्रा किया। हमारा संकल्प तो सफल हो गया। 41 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से हमको फैसला मिला, आप राम जन्मभूमि में ही राम मंदिर का निर्माण करो। ये संतों का संदेश, संतों का आदेश है, संतों का संकल्प है। भारत में संतों का संकल्प को बड़ा प्रभाव है, आप जानते हैं। लेकिन ये रथ यात्रा के पीछे, अभी दशहरा के शुभ दिन, विजयदशमी के शुभ दिन, अक्टूबर 5 तारीख को अयोध्या से प्रारंभ हुआ ये रथ यात्रा, दिसंबर 3 तारीख को गीता जयंती को अयोध्या में ही ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। ऐसा 2 महीने का यात्रा, 15,000 किलोमीटर का यात्रा, इतिहास में पहली बार नेपाल और भारत को जोड़कर चलने वाला ये यात्रा को 3 मुद्दा है। रथ यात्रा नेपाला सुद्धा वैतली ज्या जाग्याचेर, म्हणजे रामान ज्या ज्या जाग्याचेर प्रवास केला त्या त्या जाग्याचेर ही रथयात्रा व्हायची असो तो संकल्प आसा। वो दे खंड आसचो हीच त्यांची संकल्पना आशिल्ली, म्हणून 370वे कलम रद्द झाले आणि जम्मू आणि काश्मीर या देशाचा अविभाज्य घटक झालो, हे राम राज्याचे स्वप्न आशिल्ले। आणि तेच परत एकदा आम्ही म्हणतात की मेंटेन करपा खातीर जम्मू आणि काश्मीर पर्यंत त्यांच्यानी द्रविडी राज्य कसे असता हे तुमच्या मुखार दवरले। अरे ज्या राज्यात तर आम्ही म्हणता की राम रथयात्रेक जर विरोध करता असत, या देशात राम रथयात्रेक विरोध जावप हाज्या सारखेले दुष्कृत्य असते ना। म्हणून तर उरलेल्या भागात सुद्धा राम राज्य येऊपाक जाय म्हणून सगळ्यांचा आमचो संकल्प असपाक जाय। आणि तोच संकल्प करता असताना आज रथयात्रा जी असा अयोध्येतल्यान ज्या विजयदशमीच्या दिसा सुरुवात झाली असा, ती रथयात्रा परत 2 महिन्यांनी म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसा परत एकदा अयोध्येत पावतली आणि पुराय सगळ्या भारत देशात म्हणजे आम्ही म्हणता राम राज्याचा संदेश दिवपा खातीर, दिग्विजय तो वाचपा खातीर आणि पुराय देशात परत एकदा राम राज्य हाडपा खातीर आम्ही सगळ्यांनी तयार रावपाक जाय। रथयात्रेत वेगवेगळ्या कडे सहभागी जातात, कित्याक तर या देशात राम राज्य येऊचे, या देशात राम राज्याचा संकल्प पावचो आणि तोच पावपा खातीर ते करीत असलेले कार्य हा त्याका खूप खूप शुभेच्छा दिता। स्वामी जी मैं आपका गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपके साथ में आए हुए सभी राम भक्तों का भी गोवा के सभी लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से यानी आपका आशीर्वाद तो हमें प्राप्त हुआ है और आपका प्रयास से फिर एक बार इस देश में राम राज्य आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 में यहाँ पे फिर एक बार राम राज्य आएगा, यही संकल्प करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।